नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। इसका नाम है कुमारी या घृत कुमारी या एलोवेरा। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसे यूज़ किया होगा, फिर चाहे इसका जूस लेना हो या फिर इसे लगाने के लिए इसका प्रयोग किया, यानी जैसे स्किन में लगाते हैं लोग या फिर बालों में लगाना है, तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन जो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं या इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इसके फ़ायदे तो मिल सके लेकिन इससे नुकसान न हो। तो आज के वीडियो में हम इस एलोवेरा की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, फिर इसका जो शरीर के वात पित्त कफ ये तीन दोष है, इस पर इसका क्या असर है, शरीर के अवयवों पर या फिर अलग अलग सिस्टम्स पे इसका क्या असर है, इसे किन किन अवस्थाओं में किन किन बीमारियों में लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, किसने इसका इस्तेमाल करना है किसने नहीं करना है, यहाँ तक कि इसकी मात्रा यानी इसका डोज क्या होना चाहिए, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसे बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में भी इसके बहुत सारे पर्यायी नाम बताए गए हैं। तो इसमें कुमारी, घृत कुमारी, घृत कुमारिका। अब देखिए, घृत कुमारी यानी घृतवत पिछिला पत्र मजय, यानी इसके अंदर का जो पल्प है उसमें घी के समान चिकनापन है, तो इसलिए इसे ये नाम दिया हुआ है। इसके साथ ही कन्या, गृह कन्या या फिर दीर्घ पत्रिका, कपिला, इस नामों से भी इसे संस्कृत में जाना जाता है। जो इसका लैटिन नेम है वो है एलोवेरा। हिंदी में इसे घी कुंवर या ग्वारपाठा कहा जाता है, मराठी में इसे कोरफड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडियन एलो के नाम से जाना जाता है। इसके जो ये पत्ते हैं, इनका प्रयोग औषधियों में किया जाता है। भावप्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में इस एलोवेरा के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमें मिलता है। तो इसमें कहा गया है, कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्रा रसायनी मधुरा ब्रूहनी बल्या वृषा वात विष प्रणुत गुल्म प्लीह यकृत वृद्धि कफ ज्वर हरिहरेत। चलिए अब देखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम इस एलोवेरा के गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो आयुर्वेद में बताई गई है वो देखते हैं। तो इसका जो रस बताया है वो तिक्त मधुर बताया है, यानी इसका कड़वा और हल्का सा मीठा स्वाद इसमें है। फिर इसका जो वीर्य बताया है वो है शीत वीर्य, यानी ये ठंडे स्वभाव की वनस्पति है। इसके जो गुण बताए हैं उसमें गुरु, स्निग्ध, पिशिल गुण बताए हैं। गुरु यानी ये पचने में भारी है, ये स्निग्धता उत्पन्न करने वाली है। पिछिल यानी शरीर में चिकनापन ये उत्पन्न करती है। इसके साथ ही इसका जो प्रभाव बताया गया है वो भेदन है, यानी शरीर में जैसे कोई कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जैसे मल का भेदन है उसको फोड़ने का ये काम करने वाली है। तो इस तरह से इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो बताई गई है। एलोवेरा का असर शरीर में वात पित्त कफ इन तीनों दोषों पर दिखाई देता है। इसे अनुपान भेद से या अवस्था भेद से इन अलग अलग दोषों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इसे किसके साथ दे रहे हो और किस अवस्था में दे रहे हैं इसके अनुसार भी इसका अलग अलग प्रभाव या फिर अलग अलग फ़ायदा हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही ये शरीर में वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को अधो मार्ग से शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। इसे पुरुष उत्सर्जन करने वाला कहा गया है, यानी स्थूल को भी ये उसका भेदन करके शरीर से बाहर निकालती है। अब देखते हैं कि इस एलोवेरा के पाचन संस्थान पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका क्या क्या असर हमें दिखाई देता है। तो जब आप इसे कम क्वांटिटी में यानी बिल्कुल ही थोड़ी मात्रा में आप इसे लेते हैं, जैसे 5 या 10 ml की मात्रा में अगर आप इसका जूस लेते हैं या फिर इसका पल्प लेते हैं, तो ये दीपन पाचन करने वाली है, यानी जो हमारा जठराग्नि है इसको बढ़ाने वाली है, पाचन क्रिया को अच्छे तरह से करने वाली है। ये यकृतोत्तेजक बताई हुई है, यानी लीवर को एक्टिवेट करने वाली है। तो जिनको अग्निमान है यानी जिनको भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट में गैसेस होता है या फिर हल्का सा दर्द रहता है, वो लोग इसे ले सकते हैं। या फिर यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, यानी जिनकी लीवर या स्प्लीन बढ़ी हुई है, जिसे स्प्लिनोमेगैली कहा जाता है, तो हिपेटोमेगैली है या स्प्लिनोमेगैली, तो इस अवस्था में भी इसे लिया जा सकता है। लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा आप अगर लेते हैं,
तो ये विरेचन करने वाली है, मल का भेदन करने वाली है। तो इसमें आपको मरोड़ के साथ पतले दस्त हो सकते हैं और इसमें भी ये कृमि को भी बाहर निकालती है। लेकिन अभी देखिए, जिनको पेट साफ नहीं हो रहा है, हार्ड स्टूल है, तो वो लोग इसे थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, इससे उनका पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी बार बार जुलाब होते हैं, थोड़ा सा भी कुछ खाया तो मोशन के लिए उनको जाना पड़ता है, पेट में मरोड़ रहती है, तो उन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसे आप जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये उनको, किसी को रक्तस्राव भी हो सकता है या पाइल्स की तकलीफ़ भी हो सकती है। तो जिनको पहले से ही अगर पाइल्स की तकलीफ़ है या बार बार पाइल्स के थ्रू जिनको ब्लड जाता है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखते हैं कि एलोवेरा का रस रक्तवाह संस्थान पर हमें क्या क्या असर दिखाई देता है। तो ये जो एलोवेरा है, इसका तिक्त रस है, यानी ये कड़वे स्वाद के वनस्पति है। तो इसके वजह से यानी ये ज्वर यानी बुखार में बहुत अच्छे से काम करती है, खास करके कफ ज्वर यानी जिसमें कफ बढ़ा हुआ है, जैसे निमोनिया है, तो इसमें इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें इसका जो रस है, इसे पिपली के चूर्ण के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर जीर्ण ज्वर यानी बहुत दिनों से बुखार है, जिसे क्रॉनिक फीवर कहा जाता है, यानी बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा बुखार शरीर में रहता है, तो इसमें भी इसे लिया जा सकता है। खास करके बुखार के कारण अगर शरीर में स्प्लीनोमेगैली है यानी स्प्लीन का साइज बढ़ गया है, तो इसमें भी इसे लिया जा सकता है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है यानी एनीमिया है, तो उसमें भी इसे लिया जा सकता है। और एनीमिया के कारण अगर स्प्लीन बढ़ी है तो उसमें भी लिया जा सकता है। तो इसमें जो इसका रस है यानी जो इसका स्वरस है, उसमें लोह भस्म या फिर मंडूर भस्म मिला के लिया जा सकता है। इसके साथ ही जिनको लीवर की संबंधित कोई समस्या है, जैसे फैटी लीवर है या फिर लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, या फिर कामला यानी जॉन्डिस अगर किसी को है, खास करके ऑब्स्ट्रक्टिव सगर है, तो उसमें भी इसे लिया जा सकता है। तो इससे बनी जो औषधि है यानी जो कुमारी आसव है, उसे आरोग्यवर्धिनी वटी जो है उसके साथ लिया जाता है। हाँ, इसमें आपके नज़दीकी जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह आप ले सकते हैं, ताकि इसे अच्छे से कैसे लेना है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है, किस औषधि के साथ इसे लेना है, तो वो आपको इस बारे में सलाह दे सकते हैं। इस तरह से इसके बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे बताए गए हैं। फिर इसे आप त्वचा से संबंधित बीमारियों में भी ले सकते हैं, जैसे अगर कोई भी स्किन डिसीजेस है, जहाँ पे आपको अगर बहुत ज़्यादा जलन होती है, खुजली आती है, त्वचा में रेडनेस है, जैसे एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, तो इसमें भी आप इसे ले सकते हैं। इसमें इसका जो रस है, उसमें हल्दी का चूर्ण मिला के आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसे त्वग दोषहर कहा गया है। स्किन के लिए ये बहुत अच्छी है, बालों के लिए बहुत अच्छी है, तो त्वचा में ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं। इससे बना हुआ जो तेल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में इससे तेल कैसे हमने बनाना है वो भी हम देखेंगे। इसे आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं और इसके फायदे भी आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। तो इस तरह से स्किन डिसीजेस में यानी चर्म रोगों में भी आपको इसके फायदे ज़रूर मिलेंगे। ये मूत्रल है यानी यूरिन का फ्लो है वो बढ़ाने का काम करती है। तो जिनको यूरिन थोड़ा सा रुक रुक के आता है या पूरी तरह से फ्लो अच्छे से नहीं है या जैसे कोई जलन होती है, तो वो लोग भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस एलोवेरा का प्रजनन संस्थान पर क्या काम है। तो इसका ये जो पल्प है, ये स्निग्ध है, पिच्छिल है, शीत वीर्य का यानी ठंडे स्वभाव का है, तो इसे वृष कहा गया है। ये शुक्र वृद्धि करने वाला है यानी शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है। महिलाओं में भी इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, खास करके इसे गर्भाशय शोधन करने वाला या गर्भस्रावहर कहा गया है। तो जिन महिलाओं में मासिक धर्म ठीक से नहीं आता या फ्लो ठीक से नहीं रहता, रक्तस्राव ठीक से नहीं होता, वो महिला इसे ले सकती है। खास करके जिनका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, बहुत कम फ्लो रहता है, वो लोग इसे ले सकते हैं। इसे पीरियड के एक हफ्ता पहले आप शुरू कर सकते हैं। फिर इसका जो रस है वो निकाल के इसे 5 से 10 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं। तो इससे फ्लो नियंत्रित होने में भी बहुत अच्छे से मदद मिलती है, क्योंकि ये इसकी जो एक्शन है, जो गर्भाशय की मांसपेशियां है, तो उसको संकुचित करने का काम ये करती है। इवन प्रसूति के बाद यानी डिलीवरी के बाद भी गर्भाशय में जो स्राव है उनकी ठीक से सफाई होने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन जिन महिलाओं में गर्भावस्था है यानी प्रेगनेंसी है, उन्होंने इसे नहीं लेना है। यहाँ तक कि जिनको बहुत ज़्यादा स्राव रहते हैं यानी फ्लो ऑलरेडी ज़्यादा है, उन्होंने भी इसे नहीं लेना है। यहाँ तक कि जो लैक्टेटिंग फेज में है यानी बच्चे को दूध पिला रही है, उन्होंने भी इसका प्रयोग नहीं करना है। एलोवेरा वेदना स्थापक है, शोथहर है यानी दर्द को कम करने वाली, सूजन को कम करने वाली है। इससे इसका जो रस है इसे हल्दी के साथ आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसे व्रण रोपक, व्रण शोधन करने वाली बताई गई, यानी अगर किसी को घाव है तो उस घाव को हील करने वाली, वुंड हीलिंग करने वाली है। यहाँ तक कि आघात शोथ में, यानी अगर कोई आपको चोट लगी है उसके बाद आपको सूजन आई है, तो इसमें भी इसका जो रस है इसे आप हल्दी के साथ, फिटकरी है, रक्त चंदन है, इसके साथ इसका लेप आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जिनको सनबर्न है, त्वचा यानी वहाँ पे बहुत जलन है, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से स्किन के अलग अलग कंडीशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस एलोवेरा की जो मात्रा है यानी इसका डोज है वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो स्वरस है यानी इसका फ्रेश रस निकाल के आप 10 से 20 ml की मात्रा तक आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कभी कभी तो इससे भी कम लेना चाहिए, यानी 5 से 10 ml की मात्रा में। और इससे बनने वाला ये जो पल्प है यानी जो ड्राइड पल्प है, उसको भी बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। उसको तो बिल्कुल 100 mg या 300 mg तक लिया जाता है। इसको चिकित्सक की सलाह से आपने लेना है। काफ़ी लोग इसका रस भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जब यानी 50 ml या फिर 100 ml की मात्रा में लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसे नहीं लेना है। और हाँ, आप इसे आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं, फ्रेश बना के आपने इसे लेना है, ना कि बाज़ार में मिलने वाला जो रस मिलता है। तो उस कंपेरिजन में आप घर में इसे अगर फ्रेश बनाए तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। इसे बहुत सारी अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इससे बनने वाले जो कुमारियासव है या फिर रजप्रवर्तिनी वटी है, कुमारिका वटी है, तो इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने एलोवेरा के बारे में जो जो बातें आपको बताई, आप भी उसके बारे में ज़रूर सोचिए। इसे आपकी अवस्था के अनुसार लेना है, हमेशा इसे नहीं लेना है। उसमें भी क्वांटिटी को इसके कम लेना है, जैसे 5 से 10 या 20 ml तक आपने लेना है। बहुत ज़्यादा इसका जो रस है वो ज़्यादा नहीं लेना है, ताकि आपको इसके पूरे फ़ायदे भी मिल सके लेकिन नुकसान ना हो। आपके लिए इसका सही डोज क्या है या किन औषधियों के साथ आपने इसे लेना है, तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। तो इस तरह से इन बातों पर अमल ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।